देवेंद्र झाझड़िया राजनीतिक क्षेत्र से नहीं जुड़ा हुआ है, पहली बार चुनाव लड़ रहा है, राजनीति के बारे में ज्यादा पता नहीं है, कहीं ऐसा ना हो षड्यंत्र का शिकार हो जाए, क्या इसकी तैयारी है, डर लगता है? थाने में नेता वर्ग को लागू होकर पहले यह बताओ भाई, ईमानदारी तारा तारा भगवान की सौगल ला गई या लो मैडम, और हाथ खड़ा करके बताओ मन था मैं नेता वर्ग को लागू को हमारे बीच में आदरणीय देवेंद्र झाझड़िया जी हमारे भी पहुंच चुके हैं। कामयाब बनाई, कमल के निशान के सामने वाला बटन दबाकर कामयाब बनाई। देखो भैया, जो 2024 का ये लोकसभा चुनाव है, यो चुनाव है देश को, अपन सरपंच आले वार्ड पंच आले या बीडीसी डीडीसी या एमएलए आली राजनीति को नहीं है, यो पूरा देश को चुनाव और देश ना आगे कौन ले जास के है वो सब ने वेर है। अब थे मन या बताओ, देश ने आगे ले जाने के लिए प्रधानमंत्री थे राहुल गांधी, देखने चाहो या नरेंद्र मोदी जी ने, नरेंद्र मोदी कही तो कहे मोदी हवा है, मन तो लागे तूफान है, सच में तूफान है। हाँ, मोटोड़ो घुमड़ियो है। तो आप काम की बात कर लिया है, के अलावा ज्यादा बात कौन करूं, मन तो एक बात बताओ थे, थाने पानी चाहिए या राजनीति चाहिए? पानी चाहिए। थाने फसल बीमा चाहिए या राजनीति चाहिए? फसल बीमा है। थाने खेल मैदान चाहिए या राजनीति चाहिए? खेल मैदान चाहिए। अब मैं बताऊं थाने, आपनी रैली हुई बहुत बड़ी जनसभा हुई, प्रधानमंत्री जी आया, पहली बार इतना बड़ा अवसर मिलोगे एक व्यक्ति कैंडिडेट के बारे में पहली बार में इतना लंबा बोल के गया, आपने लिए सौभाग्य की बात है। उन्हें के कही देवेंद्र है वो मेरे परिवार को सदस्य है, एक प्रधानमंत्री यह बात कहे कितनी बड़ी बात आपने ली है ना? आज तक तो कहीं बारह मुना कौन बोली, 10 साल में ही कौन मिली, 10 साल प्रचार कर लियो, कहीं व्यक्ति कैंडिडेट के बारे में ये बात नहीं बोली। तो मेरो लगाव तो है ही उनसा गए, ए लगाव ना आप बढ़िया कतरा कर सका, हाँ ए लगाव ना बढ़िया जिद बनेगा आपनो, जिद आप काम करांगा, और काम के करांगा, नरेंद्र मोदी जी की जनसभा में मैं प्रधानमंत्री जी के सामने भाषण के दियो, पहलो भाषण के हो मेरो, सिर्फ किसान पर बात, पहलो मेरो शब्द जो निकले हो वो यो निकले हो कह मैंने हर घर में पानी चाहिए और हर खुड में पानी चाहिए, यही भाषा ही मेरी। और दूसरी बात थाने में नेता वर्ग को लागू कि पहले यह बताओ भाई, ईमानदारी तारा तारे भगवान की सौगल ला गई है लो मैडम, और हाथ खड़ा करके बताओ मन था मैं नेता वर्ग को लागू को कौन लागू ने, तो मैं क्यों मन ने नेता साहब बननी को नहीं ना, नेताओं तो थे दापेड़ा हो, मन ने जनसेवक बननू है, मन ने जनसेवा करनी है, एक देश के प्रधानमंत्री जी मन ने क्षेत्र में बुला लियो, अब मैं देश के प्रधानमंत्री जी ने भी मना कर दू कि मन को नहीं आनू तार कर, मन बात बताओ थे है भाई, उन इतनी बड़ी मैंने जिम्मेवारी दे दी, मैं तारे बीच में आ गयो, मैं तारा काम करवाऊंगो, अब आप लम्बो चौड़ा भाषण क्यों करा, बात तो 3 टप्पा की है, यदि थे समझो तो थे समझदार बनोगा तो मन आगे भेजोगा, थे किसान हितेशी बनोगा तो मन आगे भेजोगा, थे फसल बीमा प्रधानमंत्री को क्लेम लेगा तो थे आगे भेजोगा, अरे भाई उसके थे राजनीति के बन जाओगा तो घबरो भाई थे और सोचोगा कुछ के सोचोगा, मैंने खुद नहीं गुन बेरो उन चीज का, फिर भाई एक था ना साफ बेरो है, सेंटर में सब ने बेरो है, मोदी सरकार आ रही है, कोई शक है कि 1% ही को नहीं, तो आप रोक भी कौन सका, बात तो आग लाग रही भाई पब्लिक को कितने बड़े में बताओ, तूफान आ रहे हैं, तारा कैंडिडेट में कोई कमी को नहीं भाई, एक हाथ तो है कौन देखो बात में तू को नहीं, बाकी कोई कमी को नहीं, हाँ तो मैं तो यह कहना चाहूं हूं तारे बीच को हूं साहब, तारो टावर हो, ज्यादा मैंने तो राजनीतिक भाषण देना, मैं
नहीं देना। मैं तो देखो हाथ मेरे ही को नहीं। हाँ मैं स्कूल में कबड्डी शौक ले आगे दी हड़ो। राम राम। अब बताओ थे, मैं तो सहयोग देने आयो थाने, लेकिन थे मन सहयोग दो। और मैं तो एक बात और कहूं थाने, या मेरी एक मार्मिक अपील है तानू, मैं 5 साल के लिए तारकन भीख मांगने आया हूँ। 5 साल को मन मौको दे के देखो थे, फिर देखियो थे देवेंद्र झाजड़ियो के कर देगो तारा अंदर। तारी बात मंच के माध्यम दिन मोदी जी ने कह दी इन्हें पूरी पूरी, उसी बात तारी लिख के सीधी सीधी मोदी जी गन जाएंगे। और जो मैं 4 दिन पहले इंदौर में बोल की गये हो भाई, बात बोल की गये होने भाई, बोल की गये मैं यही होगा भाई। मोदी जी बोली किमी तो हो गयो मारो कनेक्शन है, कुछ तो हो गयो मारो, थे समझने की कोशिश करो, थाने बहुत आगे लेके जाऊंगा, थे जिंदगी में याद करोगा। मैं आज बताऊं थाने कोई बीच में आए चलता से ले ले। देवेंद्र झाजड़िया हमारे साथ है चुरू लोकसभा से भाजपा प्रत्याशी, क्या 13 दिन मात्र चुनाव के बचे हैं, क्या कुछ चुनाव कहाँ तक पहुंचा है, सब लोगों तक पहुंच चुके हैं? लोगों का हौसला देख रहे हैं आप, लोग कितनी उम्मीदें लगा रहे हैं मेरे से। अच्छा लग रहा है लोगों के बीच में आ रहा हूं। और राजस्थान का तो क्लियर ही है, देखो मैं बताऊँ आपको 25 की 25 है बस हमारा टारगेट है। जब मैं ओलंपिक खेलने जाता हूँ तो टारगेट करता हूँ कि गोल्ड मेडल तो लेना है, पर वर्ल्ड रिकॉर्ड ब्रेक करना है। यहाँ मैं ये सोच रहा हूँ हम जीत रहे हैं लेकिन राजस्थान की सबसे बड़ी जीत करें। देवेंद्र झाजड़िया राजनीतिक क्षेत्र से नहीं जुड़ा हुआ है, पहली बार चुनाव लड़ रहा है, राजनीति के बारे में ज्यादा पता नहीं है, कहीं ऐसा ना हो षड्यंत्र का शिकार हो जाए, क्या इसकी तैयारी है, डर लगता है? वोट जनता को देना है, वोट जनता को देना है। और मोदी के नाम पे वोट दे रहे हैं लोग, हवा नहीं तूफान है यहाँ पे, आप भी देख रहे हो तूफान है यहाँ पे। और बॉयस इतना क्रेज है मोदी जी का यहाँ पे, हर आदमी ये कह रहा हम तो मोदी जी के नाम पे वोट दे रहे हैं। कहीं डर नहीं लगता कि षड्यंत्र का शिकार हो जाएंगे कहीं? नमस्कार, अभी आप जो है भाजपा प्रत्याशी चुरू लोकसभा से देवेंद्र झाजड़िया को सुन रहे थे, और उन्होंने क्या गजब का भाषण दिया। और बातचीत में भी उन्होंने कहा कि इस बार राजस्थान में जो है मोदी की हवा नहीं तूफान है, और हर एक व्यक्ति की जुबान पर एक ही बात है कि तीसरी बार मोदी सरकार बनने जा रही है, तो चुरू लोकसभा के लोग भी इससे पीछे नहीं हटेंगे और अपने भाई अपने बेटे को जो है वो यहाँ से जिता कर भेजेंगे, ये उन्होंने दावा किया है। और एक मार्मिक अपील भी की जो आपने भाषण के माध्यम से सुनी। आप ये वीडियो इस समाचार पर देख रहे थे, मैं हूँ LD स्वामी, धन्यवाद।